हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। फ्रेंड, एसएससी स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी जीके के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके जो एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतना सब कर रहा हूँ, आपके भले के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे वैसे चैनलों के पीछे यार मत भागिए। आपको मैं इतना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ एक ब्रांडिंग के चलते, एक व्यूज़ ना मिलने की वजह से आप लोग अपना लॉस कर बैठोगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी वजह से अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हैं वो सारी की सारी आपके लिए बेस्ट वीडियोस हैं। ठीक है, भले ही उनकी प्रेजेंटेशन आपको ठीक ना लगे, ठीक है, लेकिन अपनी पूरी कोशिश की है मैंने उन वीडियोस को आपके लिए बेहतर बनाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो सारे कंटेंट जो हैं वो अच्छे लगेंगे। और आपके डेफिनेटली यार एग्ज़ाम्स में आपके बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत ही ज़्यादा चांसेस है वो आपके एग्ज़ाम में आने की। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए यार। मैं प्लेलिस्ट में अपने एडवांस लेवल मैथ्स की, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की, आपकी कंसेप्ट की मैंने अलग बनाई है 10 वीडियो, और आपकी जो ज्योमेट्री और प्लेलिस्ट की एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो 122 से 124 वीडियोस मैंने बनाई हैं। आप प्लीज़ एक बार उनको ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी दूर है? तो इसका आंसर है आपका 876। ठीक है, ये दिख नहीं रहा आपको लेकिन मैं लिख देता हूँ, 876 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन, सॉरी ये आपका जो आंसर दिया हुआ है चीन नहीं आएगा, ये आपका म्यांमार आएगा। ठीक है, मैं सारे करवा दूंगा आपको। देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। मैं आपको मैप की हेल्प से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, म्यांमार था। ठीक है, म्यांमार में आपके यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यांमार। ठीक है, ये आपका म्यांमार है। तो कौन कौन से आपके इंडियन स्टेट्स हैं? लगभग आपकी 17 इंडियन स्टेट्स ऐसी हैं जो आपके इंडियन बाउंड्रीज को जो है वो टच करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चार पांच ही नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के आसपास हैं, और ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। देखिए, एक तो आपका यूपी हो गया, यूपी के साथ आपकी, यूपी एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपकी मैक्सिमम जो है वो इंडियन की स्टेट्स जो हैं उसको टच करती हैं। देखिए, एक हो गया आपका हरियाणा। ठीक है, इधर आपका, दो मिनट दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको सारा ही करवा रहा हूँ। देखिए, ये यूपी हो गया आपका। ठीक है, इधर आपका देखिए उत्तराखंड हो गया, इधर एचपी पंजाब, सॉरी पंजाब नहीं है, ये एचपी हो गया उत्तराखंड, हरियाणा, इधर ये हो गया एमपी, इधर बिहार, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये आपका हो गया झारखंड, और ये हो गया आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये ऐसी आपकी इंडियन स्टेट्स हैं जो यूपी को टच करती हैं। टोटल काउंट कर लीजिएगा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये इधर, दो मिनट, सॉरी, एक ये राजस्थान भी हो गया आपकी। ठीक है, टोटल 8 होगी। अब था क्वेश्चंस म्यांमार पर। ठीक है, म्यांमार पर था ये क्वेश्चन, तो म्यांमार का भी देख लेते हैं। म्यांमार में मैंने आपको बताई थी कि 4 इंडियन स्टेट्स, लगभग टोटल 17 इंडियन स्टेट्स हैं जो आपकी बाउंड्रीज़ को टच करती हैं, तो म्यांमार भी देख लेते हैं। म्यांमार के आपके पास 4 बाउंड्रीज है। देखिए, यहाँ पे ये नागालैंड हो गया, ठीक है, और ये इधर आपका मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम के बाद आपका मणिपुर, बस यही जो आपकी इधर वाली कंट्रीज़ हैं ये सारी इसको टच कर रही हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये। ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार ही तो है, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ये इसको टच कर रहे हैं। सारे बता देता हूँ मैं। अब चाइना की बारी है, चाइना देख लेते हैं। चाइना का है आपका, आपकी 5 स्टेट जो हैं वो चाइना के साथ टच कर रही हैं। इधर से ये हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया आपका एचपी, उत्तराखंड, इधर सिक्किम हो गया,
और इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपको मैप की हेल्प से याद भी रहेगा, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, देखिए इधर से आपका हो गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका इधर सिक्किम हो गया और इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया फ्रेंड। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, प्लीज़ यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा, कम से कम आप यार कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ये ज़रूर बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, और प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बता देना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ यार इतना छोटा सा काम तो आप मेरा कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मुझे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं नेपाल के साथ, ठीक है। अगला है आपका नेपाल, सो नेपाल भी आपका यहाँ पे है, तो अब जाहिर सी बात है कितना आसान हो गया, आपको फोर बाउंड्री सीधा सीधा दिख रही हैं नेपाल के साथ, ठीक है। लेकिन एक छोटी और है, एक तो आपकी होगी उत्तराखंड, एक यूपी से घिरा है। जस्ट आपको बस करना है, अब इसका मैं कोई ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, अब सीधा सीधा दिमाग में रखिए, वो आपको आसान लगेगा। आप मैप में याद रखिए कि चाइना ऊपर है और ऊपर कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो ऊपर इसके प्रेजेंट हैं। मैप में एक बार देख के आप, वो बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को विजुलाइज़ करने से दिमाग में जितना जो परसिस्ट रहती है कोई चीज़, वो सुनने से नहीं होती। यानी कि किसी भी चीज़ का विजुलाइजेशन दिमाग में जो मेमोरी उसकी स्टोर हो जाती है वो लंबे टाइम तक होती है, ठीक है। तो ये एक विजुलाइजेशन ही है, ठीक है। और ये बिल्कुल एक साइंटिफिकली चीज़ है, जो चीज़ हम विजुलाइज़ करते हैं वो हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक परसिस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, सिक्किम, और देखा जाए तो ये आपको वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा हिस्सा नेपाल से टच मिलेगा आपको। मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये आपका ये वाला हिस्सा, ये वेस्ट बंगाल हो गया पूरा, ठीक है। ये हिस्सा इसको टच कर रहा है, सो दे आर द फाइव स्टेट्स डेट टच द नेपाल। और एक क्वेश्चन आया था नेपाल को लेकर के कि कहाँ पे विज़िट करने के लिए जो है वो वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो नेपाल उसका आंसर था। 2017 का एसएससी का 20 अगस्त का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था ये। अब नेपाल हो गया आपका, म्यांमार हो गया आपका, चाइना हो गया, अब बचता है भूटान। सो भूटान भी देख लेते हैं, भूटान भी बड़ा आसान है, प्लीज़ यार ये कर लीजिए आप, ठीक है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें रिवाइज। फिर आप एग्ज़ाम टाइम में एकदम से करते हुए सारी चीज़ों, फिर आपके दिमाग में वो फिट नहीं बैठती, इसलिए मैं डेली आपको कुछ ना कुछ यार आपको बताता रहता हूँ ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस हो सके। तो प्लीज़ आप मेरे साथ ये चीज़ें कर लिया करो। भूटान हो गया, जैसे भूटान में आपके कौन कौन से हो गए, फिर देखिए इधर आपका हो गया ये सिक्किम पूरा, ठीक है, इधर हो गया आपका असम, और इधर आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये तीन हो गए आपके। और बताइए और कौन कौन से आपका लाई करता है, और ज़रा आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये आपका जो सिक्किम है ये यहाँ तक, ये पूरा आपका सिक्किम नहीं है, ठीक है, ये आपका पूरा जो है वो सिक्किम नहीं है, आपका जो सिक्किम है वो यहाँ तक है, ये जो पार्ट है आपका ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो ये भूटान से जो है वो टच कर रहा है, सो देर आर द फोर स्टेट डेट टचिज द भूटान, इट्स सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये बहुत बेस्ट कंसेप्ट है और एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। द लास्ट वन इज़ बांग्लादेश, तो चलिए बांग्लादेश की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको बांग्लादेश दिख रहा है, अब इसके साथ साथ की कौन कौन सी सीमा है, असम होगी, मेघालय, वेस्ट बंगाल, तीन तो यहीं से दिख रही हैं, चौथी आपके होगी त्रिपुरा, ठीक है, बस यही है आप, देर द फोर, सॉरी एक और हो आपकी, ये इधर वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, आपकी इधर त्रिपुरा हो गया, ठीक है, और कौन कौन सी आपकी एक ये भी होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये मिज़ोरम है, ये यहाँ पे पूरा बांग्लादेश जो है ना वो, ये भी पूरा बांग्लादेश है आपका, ये वाला पार्ट मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये पूरा आपका बांग्लादेश ही है, ठीक है।
सो यहाँ पे ये मिज़ोरम इसको टच कर रहा है. सो देर द फाइव स्टेट्स, एक चाइना के साथ आपकी पांच बाउंड्रीज बनाता है और एक आपकी बांग्लादेश के साथ पांच बाउंड्री बनाता है. सो बांग्लादेश में मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये इसकी पांच स्टेट हो गई, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. सो देर द फाइव स्टेट्स विच टच इज़ द बाउंड्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट है आपका, देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है. दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाई मुड़ी, ठीक है. और फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चंस लगता है कि उसका आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार वो गलत हो भी जाता है यार, दिमाग में नहीं होता, तो प्लीज़ कोई बात नहीं यार, गलती सुधार करके उसको ठीक करने का होता है, तो आप बता दिया करो कि कहीं पे कोई क्वेश्चंस गलत हो. सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस के लिए किस भाषा में किया गया था, ग्रीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद देखिए आपका, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार किस भारत किस द्वीप का जो अंग था वो था आपका जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप, ये आंसर है इसका. नेक्स्ट देखिए, भारतीय मानक समय जो है वो कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, ये मैंने आपको बताया था, 82, 82.5 कर लेना एक्चुअली, पूरा 82.5 डिग्री आपका, ठीक है. उसके बाद देखिए, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, बैरम एवं नारकोंडम, ठीक है, आदम का पुल, ये अच्छा क्वेश्चन है, बैरम एंड नारकोंडम, ठीक है. उसके बाद देखिए, हैदराबाद का जुड़वा शहर कौन सा है, सिकंदराबाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिकंदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, थार भूमि कहाँ है, सबको पता है, राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, भारत का कौन सा राज्य जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, अभी बताया था मैंने, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 8 राज्यों की जो सीमा को जो है वो स्पर्श करता है. स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यूनियन टेरिटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना. झांसी नगर भारतीय किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश. रानी लक्ष्मीबाई जो है, जिसने 1857 के रिवोल्ट में जो वहाँ का जो मुख्य अलग अलग जगह पे हुए थे, तो अलग अलग राज्य के वहाँ पे मेन जो लीडर थे वो आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं, दिल्ली का हो गया, लखनऊ का, तो ये सारे आपको देखने हैं. और जैसे ये आपका उत्तर प्रदेश में आपका झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी कई कई जगह थे आपके, लखनऊ से कौन था जिसने इसका नेतृत्व किया था 1857 के जो विद्रोह हुए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको करनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यह है आपका जम्मू कश्मीर. भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया, देखिए, भारत और पाकिस्तान की जो बीच की जो सीमा रेखा है उसको सबसे पहले तो रेड क्लिफ बोलते हैं, ठीक है, उसको आप बोलते हो रेड क्लिफ, तो ये आपका उसी के नाम पे था जिसने इसका निर्धारण किया था, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, ठीक है. उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य जो है वो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, ये अभी क्वेश्चन मैंने बताया था, सिक्किम. सिक्किम जो है वो आपका नेपाल को भी करता है, आपका भूटान को भी करता है, और आपका चीन, चाइना, जो चाइना है उसकी भी बाउंड्री को ये जो सिक्किम है वो टच करता है, भूटान को भी करता है, ठीक है. सो सिक्किम जो है वो इन तीन राज्यों की सीमा को टच करता है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वहाँ पे नौजवानों की पोस्टिंग भी होती है, आपने सुना ही होगा. डंकन पास किसके मध्य स्थित है, दक्षिण अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ठीक है, ये डंकन पास जो है वो स्थित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से लिखाता है डंकन पासेज, इसको बोलते हैं डंकन पासेज, ठीक है, लिटिल अंडमान एंड साउथर्न अंडमान, ठीक है, यहाँ पे ये स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, इंदिरा काल, ठीक है, इंदिरा काल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द नेक्स्ट वन इज़, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, भारत की जो मुख्य भूमि है ये साउथ की बात है, तो वहाँ पे ये जो उस भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, डेट इज़ आदम का पुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर करना आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका स्थित
भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका, ठीक है, अंटार्कटिका स्थित इसरो, वो दक्षिण गंगोत्री आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े बड़े राज्यों के आपको क्रम बताने हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका राजस्थान, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, और पॉपुलेशन वाइज देखें तो यूपी की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है आपकी। गोवा जो है वो सबसे कम, उसका एरिया जो है वो माना गया है गोवा का। उसके बाद देखें एमपी, एमपी में सबसे ज़्यादा आपके वन पाए जाते हैं। और उसके बाद हो गया आपका महाराष्ट्र, जो एरिया वाइज बड़ा है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन थी, कौन सी थी आपकी, कुरनूल, ठीक है, कुरनूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं आपकी मध्य प्रदेश में। उसके बाद आती है भारतीय, आगे देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। द नेक्स्ट वन, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है। तटीय क्षेत्र, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मालाबार तट, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मालाबार तट। नेक्स्ट है आपका ढक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है। ढक्कन का पठार आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन राज्यों में ढक्कन का पठार आपका स्थित है। उसके बाद देखिए धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार आपका कर्नाटक में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आपको कैसी लग रही है वीडियो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और एक मोटिवेशन मिले। कुछ नहीं यार, आपका 2 सेकंड का वक्त ले रहा हूँ मैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं आपकी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका अनाईमुड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अनाईमुड़ी जो है वो उसकी चोटी की ऊंचाई है आपकी हाइट, ये 2695 इतनी आपकी उसकी ऊंचाई हाइट है। अब जैसे भारत में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, सबसे ऊंची जो पर्वत है, ठीक है, उसकी आपकी हाइट पूछी जाए तो इम्पोर्टेंट है 8848 मीटर, ठीक है, ये उसकी हाइट होगी माउंट एवरेस्ट की। अरावली की पहाड़ियाँ सभी को पता होगा राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी जो है निकलती है। अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। पापी हिल्स में गोदावरी नदी, ठीक है, पापी हिल्स में गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकोशी नदी भी है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था। तो हिमालय पर्वत पहले क्या था, टिथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, यह आपका 15 अगस्त 1947 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, आपका महेंद्र गिरी की जो पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दो राज्यों के तट पर हैं। पंबन द्वीप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ स्थित है, मनार की खाड़ी में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, मनार की खाड़ी में बता दिया था। उसके बाद देखिए यूनियन टेरिटरीज में सबसे छोटा पतन कौन सा है आपका, सबसे छोटा जो आपका पतन है वो कौन सा है, वो आपका पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, जो सबसे छोटा हार्बर है आपका वो है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट इज कोलाबा पॉइंट कहाँ पे है, कोलाबा पॉइंट है आपका मुंबई में। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरेंट रेखा, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की हुई थी आपकी, जितनी भी आपकी रेखाएं हैं वो सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे रेड क्लिफ का हो गया आपका, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ हो गया आपकी,
और जितने भी स्ट्रेट हैं आपको वो याद करने हैं। स्ट्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया और श्रीलंका का बीच का जो दर्रा है उसको क्या बोलते हैं, पोर्क स्ट्रेट बोलते हैं, PALK पोर्क स्ट्रेट। डोरेंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच से है वो कब निर्धारित की गई थी, 1896 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, डेली आपके साथ कुछ ना कुछ मैं क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस ज़रूर किया करूँगा क्योंकि वो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा कुछ आपको पॉलिटिक्स के क्वेश्चन फटाफट बता देता हूँ। देखिए, हमारे संविधान में आपको, हमारा जो संविधान है उसके अंदर अलग अलग तरह के आपके चीज़ें जो हैं वो मेंशन है, तो कौन सी चीज़ हमें कहाँ से ली है। सबसे पहले जैसे फंडामेंटल राइट्स है, प्रीएम्बल है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं US कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप आयरलैंड, आयरलैंड से लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट हमने लिए हैं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं ना 12 मेंबर्स, वो लिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कैनरा फेडरलिज्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट बाय द सेंटर। सेंटर जो है वो स्टेट के लिए गवर्नमेंट की जो नियुक्ति करती है वो चीज़ें भी हमने आयरलैंड से ली हैं। साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, अमेंडमेंट्स, संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं, और संविधान में संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से उससे किए जाते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो। नेक्स्ट है ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये आपको सारे पढ़ते रहना है। जैसे लॉरेंस कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड होती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी रिलेटेड होती है। उसके बाद देखिए पूना पैक्ट बता देता हूँ, 1932 से 1924 के बीच में हुआ, सॉरी 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड एम के गांधी एट येदारवा जेल, येरवाड़ा जेल, सेंट्रल जेल इन पूना। इट वॉज साइंड बाय द मदन मोहन मालवीय, अम्बेडकर एंड सम अदर लीडर्स एज अ मीन्स टू एंड द फास्ट डेट गांधी जी वॉज अंडरटेकिंग एट द जेल। ठीक है, जो गांधी जी जेल में फास्ट रखे होते उसके लिए। उसके बाद देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मेनका गांधी जी बिकम रिप्रेजेंटेटिव ओ। ठीक है, सेकेंड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस है ये आपकी महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू जो हैं उसमें शामिल थे आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन आपका। उसके बाद ब्रेन के देखिए, ब्रेन के आपके 3 पार्ट्स मैं बता देता हूँ एक बार, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम और सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन हो गया, रिड्यूस्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आपका मिड ब्रेन हो गया। उसके बाद देखिए आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस जो पार्ट है आपका बॉडी टेम्परेचर को, एक्चुअली हमारे ब्रेन में अलग अलग हिस्से होते हैं जो आपके हर अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हंगर एंड थ्रस्ट, उसको अलग बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो ब्रेन के पार्ट्स वो कंट्रोल करते हैं आपका। उसके बाद देखिए रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस। ठीक है, पोन्स डेट टेक किस चीज़ में पार्ट करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन की जो क्रियाएं हैं वो आपकी पोन्स जो है वो हेल्प करती है इसकी क्रियाओं में। उसके बाद देखिए लिम्बिटिक आपका लिम्बिक सिस्टम, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम है आपका कंट्रोल्स इमोशनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को दोस्तों तक शेयर करना। ऑलवेज ट्राई करूँगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करने की। सो तब तक के लिए धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ हो।